भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो देखिए जीत रही है 23 में, उसमें कोई दोराय नहीं है। कोरोना का काल बीता, आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस सरकार जहां पर एक तरफ अपने होटलों में बंद थी, पिछले 3 बार से विधायक और 1 बार की सांसद रह चुकी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी में रहा है। किरण जी एक ऐसा नाम थे इस संगठन में जिसको किसी ने कोई भुलाए नहीं भूल सकता, तो आज यहाँ पर अगर मैं हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हूँ। और अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो हम ये देखकर काम नहीं कराते कि वो कांग्रेस का है कि बीजेपी का है कि वो किस पार्टी को बिलोंग करता है, आप इनसे पूछो ये बात मेरे मुंह से बोलती भी अच्छी नहीं लगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, इसी के चलते आज पलपल राजस्थान की टीम पहुंची है राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में हम बात करेंगे भाजपा प्रत्याशी दीप्ति किरण माहेश्वरी जी से, जहां वो चुनाव प्रचार पर निकल चुके हैं और आज पहुंचे हैं बम्बा वाला राणा जी बाव जी के यहाँ। तो हम बात करेंगे दीप्ति जी से, किस तरह से चुनाव प्रचार की कमान आपने संभाल ली और कैसे गए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि चुनाव प्रचार की कमान हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा फील्ड में होता है, हमेशा काम करता है और हमें अलग से प्रचार के दिन नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हम हमेशा कर्तव्यनिष्ठ होकर काम को लोगों के बीच में हमेशा रहकर और अपने को साबित करते हैं, इसलिए अलग से नहीं होता हमारे यहाँ पे। कोरोना का काल बीता, आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस सरकार जहाँ पर एक तरफ अपने होटलों में बंद थी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमान हाथ में संभाल कर सेवा का कोई भी ऐसा मौका नहीं है जो उन्होंने छोड़ा। घर घर जाके भली वो भोजन वितरण की बात हो, भली वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की बात हो, भली वो किसी भी वे में लोगों को मदद करने की हो, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो देखिए जीत रही है 23 में, उसमें कोई दोराय नहीं है। कांग्रेस सरकार का जिस तरीके का कुशासन है, हम सब ने देखा है कि जिस तरीके की हालात इस प्रदेश में बने हैं, भली वो महिला उत्पीड़न को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई कि बिजली में हम रियायत देंगे, दरें नहीं बढ़ाएंगे, पर आज की करंट स्थिति आप किसी भी गांव में जाकर पता करें, 5 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं उपलब्ध हो रही है। और अभी भी हमारे हर दिन हर दूसरे दिन ये समस्या आती है कि जो टाइम बोला जाता है उस टाइम पर हमें बिजली नहीं मिलती। तो किसानों की जो गति उन्होंने करी है बिजली को लेकर, ऋण माफ़ी को लेकर, तो ये सरकार तो डेफिनेटली जाना निश्चित है, तय है। हम बैरूजी बाबू जी के स्थान पर यहाँ पर बैठे हैं और मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता चाहूंगी कि जिस तरीके से 5 साल में सरकार ने अपना काम करा है महिलाओं के विरोध में, महिलाओं की जो परिस्थिति हो गई, अभी रिसेंटली मेरे क्षेत्र में एक घटना हुआ, एक बच्ची के साथ एक दुष्कर्म हुआ और जिम्मेदार व्यक्तियों ने ये काम करा है और उन लोगों को जिस तरीके से दबाव बना गया ताकि वो बच्ची अपनी बात नहीं बोल सके, ताकि वो उन पर इंसाफ की मांग नहीं कर सके, तो ये काम जो कर रहे हैं वो लोगों का तो तय है, निश्चित है जाना। तो मैडम ने बताया है कि कांग्रेस सरकार का 2023 चुनाव में जाना निश्चित है, इसी बीच हम बात करेंगे राजसमंद जो अभी फिलहाल में सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, यहाँ विरोध भी कई लोगों का हो रहा है, कई लोग इनसे दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं, इसे किस तरह से मैनेज आप कर रहे हैं। लोग मैं अग्री नहीं करती, जनता के वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ और हॉट सीट जहाँ तक आप बोल रहे हैं राजसमंद को, तो मुझे लगता है कि ये चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि इस सीट पे जो पिछले 3 बार से विधायक और 1 बार की सांसद रह चुकी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी में रहा है। राष्ट्रीय महासचिव से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट से लेकर किरण जी एक ऐसा नाम थे इस संगठन में जिसको किसी ने कोई भुलाए नहीं भूल सकता, और इतने वर्षों की जो तपस्या उन्होंने राजसमंद विधानसभा में काम करके करी है, लोगों का मन जीता है, तो आज यहाँ पर अगर मैं हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हूँ। 21 के जो उपचुनाव हुए तो यहाँ पर जिस तरीके की परिस्थितियाँ बनी थी, सरकार ने अपने कोई ऐसी कमी नहीं थी जो यहाँ पर नहीं उन्होंने डाली होगी, झूठ बोलना हम ये काम करा देंगे अगर आपने हमारे को वोट दिए, लेकिन जनता ने और कार्यकर्ता ने, अगर अलग जाना होता तो आज यहाँ पर मैं अपने आप को विधायक नहीं बुला पाती, तो ये तो जनता ने जवाब दिया है, भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ताओं ने अपना काम करके जवाब दिया है। बूथ लेवल तक जो ये संगठन हमारा मजबूत है, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी जीत हुई है कि 21 में हम चुनाव जीते हैं और 23 में भी अगर ये चुनाव जीतेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी जीतती है, कोई कार्यकर्ता, हम सब जने एक ही चीज़ को मानते, एक नाम एक निशान, कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी।
मैडम, 2 साल का अभी आपका कार्यकाल रहा है, 2 साल में कई सारे आपने काम किए, कोई बड़े काम ऐसे हैं जो जनता के लिए हुए हैं? देखिए, 2 साल का कार्यकाल मेरा जो रहा है, हम परिस्थितियाँ बहुत बड़े काम तो मैं नहीं, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो छोटे कदम लेता है, तो मेरा जो ये 2 साल का कार्यकाल रहा है उसके अंदर जो हमारे को विधायक मत मिलता है, मुझे करीबन टोटल 9.5 से 10 करोड़ का जो काम मैंने हर गाँव में, जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने जनता की जिस तरीके की डिमांड रही है, रोडों के काम, सड़कों को जोड़ने के काम, कोरोना में जिस तरीके से स्कूलों की हालत हो गई थी क्योंकि वो नहीं चल रहे थे, तो एक साथ DMFT मद से सब स्कूल्स पास कराना, ICU, जब हमने यहाँ पर RK हॉस्पिटल, हमारा जिला मुख्यालय, उसमें ICU की बेड कैसे बढ़ा सके उसके लिए 1 करोड़ के, तो ऐसे छोटे काम बहुत हुए पर सरकार हमारी नहीं थी। और जिस तरीके की एक मंत्री ने यहाँ पर उपचुनाव में आकर बोला था कि हमें जिताओगे तो हम काम करेंगे, नहीं तो हम हमारे और आप आपकी, ऐसी भावना रखने वाले व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जनता तो सबकी होती है, और अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो हम ये देखकर काम नहीं कराते कि वो कांग्रेस का है कि BJP का है, कि वो किस पार्टी को बिलोंग करता है, हम ये देखकर काम कराते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम जनता है, और हमें अगर जनप्रतिनिधि बुलाने का हक दिया है तो इस जनता ने दिया है। मैडम, यहाँ की जनता एक बार फिर से किरण माहेश्वरी के रूप में आपको देखना चाहती है, कितना प्यार आपको मिल रहा है आप प्रचार के दौरान जो घूम रहे हैं? देखिए, उसके लिए तो आपको मेरे साथ प्रचार पे चलना पड़ेगा, आप एक दिन साथ में रहें, मुझे इस बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद महसूस कर सकेंगे कि किस तरीके से जनता प्यार देती आई है और आगे भी बिल्कुल देंगी, किसी भी घर में चले जाओ, हम यहाँ पर बैठे हैं ये सब जने, आप इनसे पूछो ये बात मेरे मुँह से बोलती भी अच्छी नहीं लगेगी। तो जैसा कि दीप्ति किरण माहेश्वरी जी ने बताया है कि जनता किरण माहेश्वरी के रूप में मुझे नहीं, आप यहाँ की जनता से पूछिए, तो देखना होगा कि इस बार का यह विधानसभा 2023 का चुनाव कितना रोचक हो सकता है। पल पल राजस्थान आप सभी मतदाताओं से एक अपील करता है कि अपना अमूल्य वोट जो है वो अवश्य डालें। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ मावी कुलदीप सिंह, पल पल राजस्थान।